मर गया जो रे अच्छे से अच्छा गाना पंकज ऐसा कर देता है तो मिट्टी पली कर देता है। कॉपीराइट तो नहीं आएगा वैसे, अभी जाए तो क्या फर्क पड़ता, मेरी बड़ा मोनिटाइजेशन होगी। गाड़ी में बैठ के बोर हो रही थी, मैंने सोचा थोड़ा व्लॉग ही बना लूं। सो वी आर गोइंग टू मशोबरा, चलते हैं। आधे घंटे का रास्ता है वैसे तो, बट धीरे धीरे चल रहे तो आई थिंक मैक्सिमम एक घंटे में हम पहुंच जाएंगे। पंकज नहीं बोले मेरे पूरे व्लॉग में खास तौर से, नहीं, ऑलवेज बिजी इन हिज ओन वर्क। पंकज आप भी कुछ बताइए। हाँ, यही कुफरी में जो चीज़ें थी वो चीज़ें मशोबरा नालडेरा में भी है, तो फिर कोई लॉजिक नहीं बनता कि हम लोग कुफरी में रुक के वो चीज़ देखें और फिर वही चीज़ें, और एप्पल गार्डन और कुछ एडवेंचर थे, एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह वहाँ पे कुफरी में, वो हमें करने नहीं थे, हमें थोड़ा व्यू देखना था। और कुफरी का जो मतलब व्यू था ना, दिस वॉज क्या बोल सकते हैं उसको, ऑसम, बस यही वर्ड आपके पास। माइंड ब्लोइंग था एकदम, ऐसे बादल वादल ऐसे फॉग ऐसा हो रहा था, मतलब अपना रूम का दरवाजा खोलते ही ऐसे बाहर से ऐसे अंदर फॉग आने में लगा था, तो मजा ही आ गया था वहाँ का। वो टॉप में भी था, ऑलमोस्ट टॉप ही था वो, तो इसलिए अच्छा भी था, मज़ा भी आया। बाकी देखते हैं मशोबरा में कैसा रहता है वेदर और सब चीज। अब बोल के देखो, चंदी चांदनी रात मेहरबान, टिमटिमोंदे तारे, ये थोड़ा ना है तुम्हारा डायलॉग। जो तुम एक्चुअल में करते हो वो करो ना। जो मैं गाना ही गाता हूं। नहीं, तुम गाना नहीं गाते। चलो मैं गाना गाऊंगी, तुम वो करना जो तुम हमेशा करते हो, ठीक है। अच्छे से अच्छा गाना पंकज ऐसा कर देता है तो मिट्टी पलीत कर देता है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक वो झलक दिखाना, ठीक है, मैं गाती हूँ। चंदी चांदनी रात मेहरबान, टिमटिमोंदे तारे, पिछली गली ये नहीं है, जो है वो करो, ओरिजिनल होना चाहिए। देखो तुम्हारा ओरिजिनल नहीं है ना ये, मेरा तुम जो ओरिजिनल हो वो दिखाओ, ये कैमरे में आके बदलना नहीं, ठीक है। चम क्या है, बुलवा ही दिया। चन्नी चांदनी रात मेहरबान, बल्ले बल्ले मजा आया। ये है पंकज की USB, अच्छे से अच्छे गाने की जो बैंड बजाना है आप पंकज से सीखिए। और हाँ, एक और गाना, एक और एक वो करके दिखाएंगे हम, तुम बोलना जैसे तुम बोलते हो एक्चुअल में। कले कले बाल गाल गोरे गोरे अरे चोरे ये ना मुझ पे डाल डाल डोरे डोरे मर गए चोरे चोरे। जो पीछे बैकग्राउंड लगाते हैं, म्यूजिक देते हैं, अगर पंकज होता तो रोज डांट खाता, हाथ मार के बाहर निकाल दिया बंदा। मर गया चोरे चोरे अरे ओरे। पहले गाने कुछ ऐसे ही होते थे। अभी के लिए इतना, बाकी हम मशोबरा में मिलते हैं आपको जल्दी। क्या कर रहे थे? हां, बना दी ना। वेलकम बैक। सो वी रीच इन मशोबरा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आई थिंक आधे घंटे 45 मिनट्स में पहुँच गए थे हम, और हमने चेक इन कर लिया है एंड दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो गुड। इसका एक्चुअली रूम भी काफ़ी अच्छा है, और रूम के साथ साथ यहाँ पे बाहर क्या है, सामने ही ये दिख रहे हैं टेंट, क्या बोलते हैं इनको,
कैंप, हाँ कैंपिंग भी है यहाँ पे, यहाँ पे सामने आपको कैंप दिख रहे होंगे। सो बट हमने वो कैंप नहीं लिया बिकॉज हमको रूम ही चाहिए था, और रूम इज़ वेरी गुड, मैं आपको दिखा देती हूँ, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, वेरी स्पेशियस। इससे पहले वाला जो था वो इतना कुफरी वाला इतना स्पेशियस नहीं था, बट हाँ उसकी बालकनी और व्यू बहुत अच्छा था। इसका व्यू तो है ही ठीक, बट रूम काफ़ी अच्छा है। मैं रूम टूर करवा देती हूँ जो मैंने मिस कर दिया था लास्ट टाइम। हाँ तो दिस इज़ द विंडो, ये बहुत ही ब्रॉड विंडो है और यहीं से व्यू भी दिखता है बाहर का, सो ब्यूटिफुल, आई लाइक्ड इट। एंड दिस इज़ द सिटिंग एरिया एंड दिस इज़ द बेड, अब जो मैसी हो गया है अभी। दिस इज़ टीवी एंड द बेस्ट थिंग जो मुझे इसमें लगी, ये इतना लंबा मिरर जो मुझे बहुत ही पसंद आया। अब मुझे लगता है मैं इसके ही आगे खड़ी होने वाली हूँ क्योंकि ये इतना अच्छा है ना, इतना ब्रॉड है कि बस मस्त लग रहा है एकदम। सो ये था रूम, यहाँ पे वॉशरूम। क्या कर रहे हो तुम? नहीं ठीक है, वॉशरूम इज ऑल्सो नाइस, स्पेशियस है, नाइस। सो ओवरऑल द रूम इज नाइस, यहाँ से और भी अच्छा लग रहा है। सो या इसके बाद हमने क्या सोचा है कि यहाँ से कोई गार्डन वगैरह है गवर्नमेंट का, और यहाँ से ट्रैकिंग ट्रैक करके जा सकते हैं, ऑप्शन है, मतलब आप गाड़ी से भी जा सकते हो। और बट इस होटल वाले ने हमें कहा कि आप ट्रैक करके जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक है। तो और हमने अभी तक कहीं ट्रैकिंग वगैरह भी नहीं करी, तो अच्छा है कि मौसम भी अच्छा हो रहा है और हम ऐसे ट्रैक करके जाएंगे, और उसका अलग ही एक क्या शोर मचा रखा तुमने। तो हम सोचे वहीं पे एप्पल गार्डन वगैरह सब कुछ है, यहाँ पे हम बैठ के थोड़ा आराम कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। सो वी डिसाइडेड कि हाँ ट्रैक ही करते हैं, और लेट्स सी, उसका भी एक अलग मज़ा है। दिस टाइम ये मैंने रिसेंटली परचेज किए सारी ज्वेलरी जब मैं गई थी शॉपिंग में, एंड आई थॉट कि मैं इसकी वीडियो डालूंगी बट आई डिडंट हैव टाइम, सो पहले इसके ब्लॉग डाल दूंगी, उसके बाद इसके ज्वेलरीज वगैरह के सब हॉल वगैरह के ब्लॉग में डालूंगी। तो यार अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको ट्रैक करते हुए, और वहाँ एप्पल गार्डन और जो भी है वहाँ पे गार्डन वगैरह वहाँ पे मिलते हैं। A little longer than a few minutes later. चल अकेला चल अकेला चल अकेला, ओ पंकज वा भैया ऐसे कैसे चल रहे हो अब चुपचाप? सो वी आर ऑन ट्रैक, ऊपर धूप है और नीचे छाया, बट मैंने फिर भी छाता खोल रखा है। सब टैक्सी में जा रहे हैं लेकिन हम जाएंगे ट्रैक करके। थोड़ा डिफरेंट भी करना चाहिए ना, जब तक थके ना तब तक ये सब तो चलेगा। ये ग्रीनरी कितनी अच्छी लग रही है यहाँ की। तो देख सोनी ये क्या है, पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर दैट सॉन्ग। अगर ये ना पलटे तो अच्छा है। ऐसे ही चलती है, बिल्कुल नहीं पलटना। हाउस दी जोश। हाँ जी, हाँ ये मशोबरा से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर ऊपर की नेचर पार्क है, तो यहाँ अच्छे से बता रखा है कि कौन कौन, नीचे मेंशन किया हुआ, ये पाइन ट्री है, येलो मानसा है, हर तरह का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है।
और यहाँ इस गार्डन में टिकट पर पर्सन 50 रुपीज़ है। और ये मशोबरा, नालडेरा, नारकंडा ये जितना भी है उसके अंदर यही मेन यही पार्क है, नेचर पार्क। ये होटल वाले ने एडवाइस किया कि आप लोग गाड़ी वाड़ी हायर मत करो, ऐसे जाओ। अच्छा लगा, रास्ते में बंदर बहुत मिले, लाइन से बैठे हुए थे बंदर, कुछ नहीं किया, वो ऐसा लग रहा था वो हमसे डर रहे थे। फिर एक फैमिली मिली, उन लोगों ने हमें लिफ्ट दे दी, फिर थोड़े से 500 मीटर की। अब अंदर ही हम ट्रैक कर रहे हैं, ये भी 1 किलोमीटर का, यहाँ भी बंदर मिल सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ये है। क्या है? छतरी। जैसे आवाज आ रही ना जिंगुर पिंगुर की। जिंगुर ही है, सारी जिंगुर ही है। जिंगुर ही है। हाँ बिल्कुल, अभी 400-500 मीटर चले, आधा किलोमीटर, ना आदमी की जात, पूरा जंगल चारों तरफ। ये सकरा सा रास्ता, इस रास्ते से हम आ रहे हैं, कुछ नहीं, चारों तरफ घोर जंगल। और मैंने लाइफ में कभी ट्रैकिंग नहीं करी, तो मेरे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। एंड फॉर मी ये पूरा नेचर दिख रहा है, हर जगह हरियाली, एकदम शांति, बट कुछ आ ना जाए बंदर अंदर, वो बात अलग है। अदरवाइज तो आई एम लविंग इट और आई एम एंजॉयिंग द नेचर। बिल्कुल फ्रेश ऑक्सीजन, बिल्कुल फ्रेश एयर, कोई पोल्यूशन नहीं, ना नॉइस पोल्यूशन, कभी कभी पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, ना गाड़ी की, ना इंसान, किसी की आवाज़ नहीं। Now I can feel how track is all about. गई ये गई और ये फर्स्ट आ गई, ये ब्रॉन्ज मेडल मिला तब भी। फिर कुछ खतरा आ गया। ओहो, यहाँ तो ज़ॉम्बीज का अटैक हुआ था पिछली रात। देख के चलो, सो दिस इज द पार्क।
गुड मॉर्निंग। तो हम यहाँ थोड़ा नीचे जा रहे हैं फोटो सेशन कराने के लिए, और पंकज ने मेरा इतना दिमाग खराब कर दिया ना, ढंग की फोटो नहीं आती। कहाँ बैठे हैं इसे, बंदे को दो फोटो खींचने को कह दो, मेरी आधा दिमाग खाली हो जाता है। सही होता तो मत मुझे ना तो उतनी तो एक ढंग की पिक नहीं आती मेरी। मेरा गोबर का फोटो। चलो यहाँ पे थोड़ा एक आध पिक लेने की कोशिश करती हूँ। इतना डेमो देना पड़ता है ना मुझे पंकज को, उसके बाद जाके कोई एक दस दस नहीं सौ में से एक पिक अच्छी होती है। कहाँ जा रहे हो? वी हैड आर लंच और आई थिंक इसके अलावा और कुछ है नहीं। हम सोच रहे थे कि परमाणु जाने के लिए, बट आई एम नॉट श्योर कि वहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, सो मैं पहले ही एंड कर देती हूँ। अगर चले जाएंगे तो वेल एंड गुड। सो या आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर। मैंने लास्ट व्लॉग की भी एंडिंग नहीं की थी, तो इस व्लॉग की तो कर ही देती हूँ। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू पीपल लाइक इट सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड follow me on Instagram, and yeah, I think I enjoyed a lot. If you like this video, give it a thumbs up. See you in my next video. Till then, bye bye, take care, stay safe, and yeah, bye.